Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जो है वो दुबई में है. 3,000 करोड़ रुपया इन कंपनीज की आपस की ट्रांजैक्शंस हैं और हमें ये भी मालूम है कि किस तरह हसन नवाज शरीफ जो ज़्यादातर इनमें से कंपनीज के सरबराह हैं उनको पैसे पंप किए जा रहे थे FZD कैपिटल दुबई से जिसके चेयरमैन नवाज शरीफ साहब हैं और फिर हमने देखा कि किस तरह ये पैसे हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट में गए और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से ये पैसे वापस नवाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ को आए. जो आज रेफरेंसेस शुरू हुए हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर करप्शन के रेफरेंसेस हैं और पाकिस्तान के अवाम का अरबहा रुपया है जो पापा और पप्पू ने मिलके खाया है और तरीके इंसाफ ने एक पूरी जद्दोजहद की है कि पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान वापस आए. इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पापा भी लंदन में हैं, पप्पू भी लंदन में हैं और पैसे भी लंदन में हैं. अब सवाल ये है कि इनको वापस कैसे लाया जाए. जो आज प्रोसिक्यूटर ने रवैया अख्तियार किया वो बड़ा नामुनासिब था. हमने देखा है कि कहा गया कि जी वो समन्स इशू हुए हैं और वो लंदन चले गए हैं लिहाजा हम वो पेश नहीं हो रहे और प्रोसिक्यूटर ने इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया. नवाज़ फैमिली के नए मुंशी जो भी जो अब सेनेटर भी हैं माशाल्लाह आसिफ करमानी साहब वो पेश हुए और उन्होंने आके बड़ा आराम से कन्वीनियंटली अदालत को बता दिया कि उनके पास तो लंदन का एड्रेस ही नहीं है नवाज शरीफ फैमिली का. कोई और मुल्क होता जहाँ जमहूरियत की अगर कोई रमक भी होता तो एक सिटिंग सेनेटर को ये जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो अदालत के सामने खड़ा होकर इस तरह का ब्लैटेंट झूठ बोले. पूरे पाकिस्तान को पता है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कहाँ पे हैं, नवाज शरीफ कहाँ पे रह रहे हैं, हसन नवाज कहाँ पे रह रहे हैं, हुसैन नवाज कहाँ पे रह रहे हैं. वज़ीर आज़म कल उनसे वहाँ पे मुलाकात करके आए हैं. वज़ीर ख़ारजा स्पेशली यहाँ से गए, उनका जहाज़ डाइवर्ट किया गया वहाँ पे मुलाकात के लिए और अदालत को बताया जा रहा है कि जनाब हमारे पास लंदन का उनका एड्रेस नहीं है. ये बड़ी नॉन सीरियस बात थी. इसके ऊपर जज साहब को भी नोटिस लेना चाहिए था और ये झूठ बोलने के ऊपर आसिफ करमानी को वहीं पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए था. क्या आप अदालती निज़ाम को एक मजाक समझते हैं? क्या आप अदालती प्रोसेस को एक नॉन सीरियस काम समझते हैं कि आप जज के सामने खड़े होकर कह रहे हैं और आप सेनेटर हैं? कोई और मुल्क होता तो आपकी यहाँ पर सियासत ख़त्म हो जाती. लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया और उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया जज साहब की इस बात के ऊपर कि दोबारा नोटिस जारी कर दिए जाए. देखिए ये डे टू डे हेयरिंग है, इसमें एक हफ्ते की तारीख देना वैसे ही बड़ी अजीब बात है. इसमें तो रोज़ाना की तारीख होनी चाहिए क्योंकि देखे ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा है जो बाहर गया है और उसको वापस लाना ज़रूरी है. और इस तरह के बहाने जो आज बना रहे हैं, जो कल परवेज़ मुशर्रफ को तो रोज़ ये खुद ही बातें करते थे नवाज शरीफ एंड कंपनी की अदालतों से भाग रहे हैं, आज दुनिया देख रही है अदालतों से कौन भाग रहा है. लिहाजा अगर आप में कोई शर्म हया और गैरत है तो आप अदालतों का सामना करें. दूसरी बात, एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि किस तरह से इदारों को मिलाइन किया जा रहा है. सबसे पहले द न्यूज़ अखबार ने हमेशा की तरह एक खबर छापी कि हुदैबिया केस के लिए बड़े लोगों ने दबाव डाला है वो केस डालने के लिए. जस्टिस इजाजुल एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मॉनिटरिंग जज हैं, उनका ये फर्ज है कि वो पूछें कि अदालत के अंदर आपने एक स्टेटमेंट दी थी, आपने उस स्टेटमेंट का क्या किया. जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का ये फ़र्ज़ है कि वो ये देखें
कि जो प्रोसिक्यूशन है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, इंतजामी इस वक्त उनकी पोजीशन है। जान बूझ के उनको मिलाइन किया गया द न्यूज़ अखबार की तरफ से, और फिर रात को इसके ऊपर टेलीविजन्स के ऊपर प्रोग्राम हुए। एक प्रोसेस हम देखते हैं, पहले अखबार में खबर छपती है, रात को उसके ऊपर टीवी शो होते हैं, और अगले दिन वजीर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमने देखा कि एहसन इकबाल ने, जो वजीर दाखिला है, वो इस वक्त इंचार्ज बने हुए हैं नून लीग की तरफ से अदलिया और फौज के ऊपर जो मूवमेंट चलाई जा रही है, जो मुहिम चलाई जा रही है उसकी। एहसन इकबाल ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एहसन इकबाल ने द न्यूज की इस रिपोर्ट को इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज को मिलाइन करने के लिए। अब मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब से कहना चाहता हूं, वो एक इदारे के सरबराह है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और मोहतरम इदारे के सरबराह है पार्लियामेंट के बाद। आप अपने साथी और मौजूद जज साहबान के जो इज्जत है उसके भी कस्टोडियन हैं। जिस तरीके से वजीर दाखला ने जस्टिस एजाज उल अहसन साहब को एक मिलाइन करने की कोशिश की, उसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर को अदालत तलब किया जाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि किसके माँ के ऊपर वो ये इल्जामात लगा रहे हैं। फिर हमने देखा मरियम नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि लोगों को उठाया गया NA 120 की कैंपेन से। हमने आज देखा है कि जिन लोगों को उठाने की बात की गई वो लोग अपने घरों में मौजूद रहे, वो एक्टिवली रिजल्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, लिहाजा उनके जिम्मे में फौज को बदनाम किया गया। और दोबारा वजीर दाखला एहसन इकबाल ने इन गुमशुदगियों के ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की। जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और खसूसन वजीर दाखला इस वक्त अदलिया और फौज के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन चला रहे हैं, हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंशाल्लाह अनार्की होगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह अनार्की नहीं होगी एहसन इकबाल साहब, और आपकी जो ख्वाहिशें हैं ये दम तोड़ेंगी। और हम ये समझते हैं कि वजीर दाखला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्हें अदालत की भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्हें मुल्क में अनार्की के ऊपर जो जिस तरह के वो जज्बात रखते हैं उनके ऊपर गहरी नज़र रखने की भी ज़रूरत है। सो पहला तो हमारा मुतालबा ये है कि एहतसाब का जो रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज साहब नोटिस दें। किस तरह से हफ्ते का नोटिस हुआ, किस तरह से आके ब्लैटेड झूठ बोला गया कि उनका एड्रेसेस नहीं है, और किस तरह से अदालत ने कन्वीनियंटली इस सारे मामले को इग्नोर करके 7 दिन की तारीख दे दी। पूरे पाकिस्तान की नज़र इस केस के ऊपर है। इससे अगर आप इस तरह से ट्रायल को लेंगे, इस तरह से मुकदमे को लेंगे, उससे आपकी सीरियसनेस कम होगी, उससे निज़ाम इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा इसको ज़रूरी है कि इसको सीधीदगी से लेने की ज़रूरत है। अब आइए आयशा गुलालाई के मामले की तरफ। आयशा गुलालाई वो शख्सियत है जिन्होंने तमाम टेलीविजन के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ दी। आयशा गुलालाई की वजह से अंग्रेज़ी की डिक्शनरी तब्दील हो गई है। पहले कहते थे लाए बिग लाए, अब बिग लाए को रिप्लेस कर दिया गया है गुलालाई से। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तब्दीली आ गई है इन खातून की वजह से। यानी जो औरत 8 महीने अपनी सीट बचाने के लिए 6 महीने और 7 महीने इतने खुले झूठ बोले आके, उसके करैक्टर का अंदाज़ा आप सब लोग आराम से लगा सकते हैं। बाकी जो उनकी गुफ्तगू है वो इररिलेवेंट है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद यही है इलेक्शन कमीशन इस पे प्रोसीड करेगा। 30 दिन है इलेक्शन कमीशन के पास कि उनको डिस्क्वालीफाई करे। उनकी एब्सटेनमेंट भी है, उनकी जो पार्टी छोड़ने का रिकॉर्ड है वो भी आपके सब लोगों के सामने है। सो प्रोसेसेस को मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसके मुताबिक अमल होना चाहिए।
पैनामा केसेस में सजा होगी इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, ये भाग क्यों रहे हैं? देखिए नैब में तो बड़ी सिंपल प्रोविजन है, अगर आप सामने नहीं आते तो 3 साल आपको एब्सेंशिया में जो सज़ा है, यानी आपकी गैर हाजिरी की सज़ा 3 साल तो सीधी सीधी है। जो मेरिट्स हैं वो भी इतने मजबूत हैं कि शरीफ फैमिली इसको अवॉइड करना चाहती है, वो जवाब नहीं देना चाहते इन सारे मामलात का, क्योंकि जो JIT की रिपोर्ट है उसमें सबूत बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त शरीफ फैमिली उन सबूतों को अवॉइड करना चाहती है। आयशा गुलालाई बेचारी की क्या हैसियत है, उसने क्या अपना मैं सीट छोड़ के पहले इलेक्शन तो लड़े। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका फुल बेंच। देखिए हमारा उसके ऊपर तनाज़िया क्या है, मैं आपको थोड़ा इमरान खान साहब के वारंट्स के ऊपर बता दूँ। इमरान खान हर अदालत में पेश हो रहे हैं, हर जगह पे पेश होंगे, इलेक्शन कमीशन का भी एहतराम का है, ज़रूरत हुई तो यहाँ पर भी पेश होंगे। हमारा नुकता क्या है, नुकता ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन अदालत है या एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है, इंतजामी इदारा है? अगर इंतजामी इदारा है तो उसके पास तोहीन अदालत का अख्तियार नहीं है। और ये फैसला कल जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके लार्जर बेंच के सामने फिक्स है। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं ये अदालत है और यहाँ कंटेम्प्ट है यहाँ पे, तो इमरान खान पेश होंगे, क्यों नहीं पेश होंगे? कानवा पीपल्स पार्टी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ उमूर के हवाले से उन्होंने तबादला ख्याल किया और कहा कि शरीफ फैमिली की जानिब से आज आसिफ किरमानी ने झूठ बोला है अदालत में और ये कहा जा रहा है कि जी उनकी लंदन एड्रेस का पता नहीं, जबकि सब जानते हैं कि ये लोग कहाँ मुकीम हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आयशा गुलालई से मुतालिक कहा कि उन्हें चाहिए कि वो पहले सीट छोड़ें, इलेक्शन लड़ें और फिर बात करें।